ओम शांति। 15 अक्टूबर 2024। मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया, पुराने संस्कार परिवर्तन कर, संस्कार मिलन की रास करो, जिसके लिए बाबा ने इशारा किया। पुराने संस्कार व्यर्थ संकल्प हुआ, विकल्प के रूप में जब इमर्ज होते हैं तब बुद्धि में एक ही शब्द आता है कि यह क्यों हुआ, क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी, फिर यह क्यों लगेगी। जब क्यों शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा की भावी एक रस स्थिरियम रह सकेंगे, अर्थात बाबा हम बच्चों को जो पुराने स्वभाव संस्कारों से व्यर्थ संकल्प आते हैं, क्या क्यों कैसे की क्यों लग जाती है। इसीलिए बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि एक बाप पर बनकर, एक बाप की श्रीमत पर चलकर, खुद को आत्मा अनुभव कर हर एक को आत्मा भाई के रूप में देखेंगे तो हर एक के कल्याण की, हर एक के सम्मान की, हर एक के सहयोग की मनसा स्वतः और सहज जागृत होगी तो हर एक को आगे बढ़ा सकेंगे। एक रस स्थिरियम रहकर ड्रामा की पटरी पर चल सकेंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे, स्वमान लेंगे मैं आत्मा ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान हूं। मैं आत्मा ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। जब अमृत बेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमें यह स्मृति पक्की हो जाएगी कि मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं ब्राह्मण आत्मा इस 5 तत्वों की देह में, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए अवतरित हुई हूं। स्वयं भाग्य विधाता भगवान पिता परमात्मा शिव, विश्व का रचियता जानी जाननहार, सर्व खजानों का मालिक,
इस श्रेष्ठ संगम युग पर बाप टीचर सदगुरु बनकर। बंधु सखा साथी सहयोगी बनकर मेरे भाग्य को बना रहे हैं। मुझे श्रेष्ठ श्रीमत देकर श्रेष्ठ बना रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर। तीनों कालों के गुह्य रहस्य को समझाकर। अपने सर्व खजाने गुण ज्ञान तथा शक्तियों से भरपूर बना रहे। तो अनुभव करें स्वयं के श्रेष्ठ भाग्य को। अनुभव करें जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है। जिसकी एक झलक पाने को दर दर ठोकरे खा रही है। उसी भाग्य विधाता भगवान ने आकर मुझ आत्मा को
अपनी ब्रह्मा मुख वंशावली संतान बनाया। और मुझ आत्मा को अपने श्रेष्ठ स्वरूपों की स्मृति कराकर स्वदर्शन चक्रधारी बीके बनाया। स्वयं भगवान कहते हैं तुम ब्राह्मण ही वे श्रेष्ठ आत्माएं हो। जो सृष्टि के आदि में देवी देवता थे तुम ही वो श्रेष्ठ आत्माएं हो जो मध्य में जड़ मूर्तियों के रूप में पूजी जाती हो। तुम ही वो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो सृष्टि के अंत में भगवान की संतान बीके बनती हो। बीके बनाकर ब्रह्मा मुख द्वारा वरदान देते। खुशी के खजाने से भरपूर श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन नया जीवन है।
ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं। और अभी संगम युग पर बीके हैं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे ते अच्छा है। जो हुआ वह भी अच्छा। और जो हो रहा है वह और अच्छा। और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है। गारंटी है तो सदा खुशी में रहो। स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की। श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। तो अनुभव करें अपने श्रेष्ठ भाग्य को।
स्वयं भाग्य विधाता भगवान अमृत वेले से रात तक। मुझ ब्राह्मण की पालना कर रहे हैं। अपने सर्व खजानों से भरपूर बनाकर मेरे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच रहे। तो अनुभव करें मैं आत्मा ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान। सदा खुशी में रहने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान हूं। मैं आत्मा ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री जान। सदा खुशी में रहने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान। सदा खुशी में रहने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान हूं। अच्छा, कल अमृत बेला में कल के पुरुषार्थ और नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।